झारखंड को आखिरकार नया मुख्यमंत्री मिल गया है। चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली। उनके साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और आरजेडी की सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। इस बीच जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को विधायकों के टूट का डर सता रहा है। इसी वजह से तीनों दलों के ज्यादातर विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। रांची से विधायकों को लेकर चार्टर प्लेन हैदराबाद के लिए रवाना भी हो चुका है। चंपई सोरेन को 5 फरवरी को बहुमत साबित करना है। माना जा रहा है कि उसी दिन ये विधायक हैदराबाद से रांची आएंगे और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में भाग लेंगे। सीएम पद की शपथ चंपई सोरेन दिन भर सरकार बनाने के लिए न्योते का इंतजार करते रहे। इस बीच गठबंधन के विधायकों में टूट का डर भी सताए जाने लगा है। हालांकि उन्हें गुरुवार को सीएम पद की शपथ के लिए न्योता मिला। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। गुरुवार को भी विधायकों को हैदराबाद भेजने की कोशिश हुई थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान उड़ान नहीं भर सका। सभी विधायक रांची में ही रुके। विधानसभा का गणित क्या कहता है झारखंड में? झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, एक सीट खाली है और बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। जेएमएम के 29 विधायक है, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और सीपीआई का 1 विधायक है। उनकी कुल संख्या 48 है। विपक्षी खेमे में बीजेपी के 26, आजसू के 3, एनसीपी के 1 और 2 निर्दलीय है। कुल मिलाकर संख्या 32 है। बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन को बुधवार को गिरफ्तार किया था। इसी बीच उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके करीबी चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि आरोप लगते रहे कि बिहार में 12 घंटे में शपथ हो सकती है। यहां पर इतने घंटे हो चुके हैं लेकिन शपथ नहीं हुई। फिलहाल आज चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन 5 तारीख को यहाँ पर फ्लोर टेस्ट उन्हें देना होगा। अब वो सरकार बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हो कुछ भी सकता है राजनीति है।